पनीर बनाने के लिए हमने पालक लिया है, ये हमने 1.5 किलो पालक लिया था और इसे अच्छे से धो के अच्छे से साफ़ करने के बाद हमने पीस लिया है ऐसे मिक्सी में डाल के, और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था जो इस तरह तैयार है। लहसुन लिए हैं 3-4 कलियाँ लहसुन की लिए हैं और जो बारीक बारीक काटी है। प्याज लिया है 4 छोटे साइज़ के प्याज हैं ये, और इन्हें बारीक बारीक कट किया है। 4 ही हमने टमाटर और 2 हरी मिर्च ली हैं जो कट कर ली हैं। अब हम सबसे पहले पालक पनीर बनाने के लिए मसाला फ्राई करेंगे। पालक पनीर हम देसी घी में बना रहे हैं। 2 चम्मच भर के हमने इसमें बड़े घी डाला है। आप चाहें तो किसी ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन पालक पनीर अगर घी से बने तो टेस्टी बनता है। अब हम इसमें घी मेल्ट हो चुका है, लहसुन डालेंगे और इसे गोल्डन होने देंगे। अब लहसुन भी गोल्डन हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें बारीक कटे प्याज ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मीडियम गैस पे गोल्डन ब्राउन होने का वेट करेंगे। प्याज अब बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर पेस्ट और हरी मिर्च ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें सूखे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसमें हम नमक 2 चम्मच हम इसमें नमक और 1.5 चम्मच सूखा धनिया पाउडर और काली मिर्च 1/2 चम्मच, और हम इसमें हल्दी ऐड नहीं करेंगे। लाल कश्मीरी मिर्च ये हम 1 चम्मच के आसपास ऐड करें इसमें, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मसाले को मीडियम गैस पे हम भूनने देंगे। अभी मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, मसाले के ऊपर घी आना शुरू हो चुका है आप देख सकते हैं। अब हमने जो पालक का पेस्ट रखा था रेडी, हम इसे ऐड करेंगे इसमें। पालक का पेस्ट तैयार करते समय हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था। अगर आप नमक इसमें ऐड करते हैं तो इसमें कम ऐड कीजिए मसाले में। अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले और पालक को। अब हमने क्या करना है, इसे ढक्कन से हम कवर कर देंगे इस तरह, क्योंकि अब पालक को हम थोड़ी देर मसाले में भूनेंगे और इसमें थोड़ा बहुत जो पानी होगा वो सूख जाए, और ऐसे ढक्कन लगा देंगे जिससे कि पालक जो उड़ती है चींटे ऊपर ना आए, आसपास ना जाए। अब हम पनीर को देखते हैं। पनीर बहुत अच्छे से रेडी है, एक्स्ट्रा पानी थोड़ा बहुत जो था वो रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें ये हमने 2 चम्मच फ्रेश मलाई ली है, ये ऐड करेंगे। मिक्स करना अच्छे से जल्दी से। और ये हमने 300 ग्राम्स पनीर लिया है, इसे कट कर लिया है, और ये भी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट साथ में इन्हें कुक होने देंगे, उसके बाद पालक पनीर बनके रेडी है। पालक पनीर बनकर बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल सूख चुका है, एक्स्ट्रा पानी नहीं है और पनीर भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। 10 मिनट लगे थे, पानी एक्स्ट्रा सुखाया था हमने, बहुत अच्छे से ड्राई पालक पनीर बनाया है और अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच ऊपर से देसी घी ऐड कर रहे हैं, और जो मलाई, इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। एक अनियन रिंग रखेंगे और उसके ऊपर ये पनीर। पालक पनीर बनकर रेडी है। आप भी मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।